आदमी को लिया जाए, जो पांच आदमी में से उसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी का वहाँ ऑफिस चलाने वाला का एक व्यक्ति को भी दिया जाए, लेकिन यहाँ पर दुकानदार को मिला। देखिए, शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति का जो कि जो भालूवासा पुलिया के ऊपर में दुकान बनी, तिरपन दुकान, आज इतने दिनों के बाद जब अतिक्रमण होने के बाद दुकान बनी तिरपन दुकान के बाद, उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ का उजागर किया कि यहाँ पर शुरू से राजनीतिक दलों का मने यहाँ पर प्रभाव डाला जा रहा है। और जो जेनेसी के जो विशेष पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार के द्वारा यह बार बार वो फेरबदल कर रहे हैं, कभी लॉटरी करते हैं 18 आदमी का, फिर बोलते हैं कभी 5 आदमी का आज निकाला गया, जिसमें परेश कुमार मुखी, जितेंद्र कुमार सिंह और आपका ठेला वाला मदन पॉल, ये लोग वहाँ पर दुकान लगा ही नहीं थे। इन लोगों का, परेश कुमार मुखी का एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस था अनुसूचित जाति का। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेनेसी किनको दे रही है? शुरू से घोटाला का वहाँ घर बना हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग श्री कृष्ण कुमार का जो नॉर्दर्न टाउन में घर है उनके घर का भी हम लोग जाएंगे, उनको सांकेतिक धरना देंगे। अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर विवश होकर के हमारे उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के जो अभी मैडम आई हुई है तत्काल, उनको भी एक ज्ञापन देंगे। देखिए, हम लोग विवश होकर के अगर हम लोग SDO के पास जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर देंगे और कुछ भी नहीं होता है, हम लोगों को कहीं से भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग विवश होकर कोर्ट में जाएंगे। हम लोग कोर्ट में विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के खिलाफ वहां पर हम लोग मुकदमा दायर करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं चेतन मुखी, शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति का महासचिव हूँ। धन्यवाद। ठीक।